सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आपके विंडोज 10 पीसी में जो प्रिंटर रहता है दोस्तों, उसको कैसे रिमूव करते हैं और उसके ड्राइवर को भी कैसे रिमूव करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो कीजिए मेरी इजी और सिंपल मेथड, एक भी स्टेप मत मिस कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी विंडोज सेटिंग्स ओपन करना है, विंडोज की होल्ड करना है और आई प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपकी विंडोज सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। विंडोज सेटिंग्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, विंडोज की होल्ड कीजिए और आई प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है डिवाइसेस, और डिवाइसेस में दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है प्रिंटर्स एंड स्कैनर, उसको ओपन करना है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर्स एंड स्कैनर, यहाँ पे आपके जितने भी प्रिंटर्स हैं दोस्तों शो करेंगे। अगर आपको जो भी प्रिंटर को रिमूव करना है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव डिवाइस, तो रिमूव डिवाइस पे क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपका जो प्रिंटर है दोस्तों वो रिमूव हो जाएगा, जो प्रिंटर के ड्राइवर रहते हैं दोस्तों वो रिमूव नहीं होंगे। तो ये सिर्फ प्रिंटर रिमूव करने के लिए मेथड है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो प्रिंटर आपने रिमूव किया है उसके ड्राइवर्स को कैसे रिमूव करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों अभी आपका प्रिंटर रिमूव। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये वीडियो किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका कंट्रोल पैनल ओपन करना है आपके पीसी में इस तरीके से, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, उसको ओपन करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है प्रिंट मैनेजमेंट, और उस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है दोस्तों। और यहाँ पे लेफ्ट पैनल में दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है कस्टम फिल्टर्स, उसको एक्सटेंड करना है दोस्तों। और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे अभी एक आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा ऑल ड्राइवर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर डबल क्लिक कीजिए और वो ओपन हो जाएगा। ये आपके प्रिंटर्स के ड्राइवर्स हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर जो भी आपको प्रिंटर के ड्राइवर रिमूव करना है, जस्ट उस पर राइट क्लिक करना है और जस्ट डिलीट पे क्लिक करना है, सिंपल से दोस्तों। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके विंडोज से पीसी में प्रिंटर्स और उसके ड्राइवर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है कमेंट सेक्शन में आप उन्हें डॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।